भर मास्क पहनने से चेहरे पर दाने और पिंपल्स जैसी परेशानी देखने को मिल रही है। मास्क पहनने से स्किन में जलन और रैशेस भी हो सकते हैं। कोरोना वायरस से सेफ्टी के लिए मास्क बहुत जरूरी होता है, लेकिन पूरा दिन मास्क पहनने से सांस लेने में भी दिक्कत आती है। वहीं मास्क पहनने से चेहरे पर पिंपल और एक्ने देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको भी मास्क पहनने से एक्ने और पिंपल हो रहे हैं तो हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आप इन परेशानियों से निजात पा सकेंगे। वैसे तो महिलाओं को मेकअप करना बहुत पसंद होता है, लेकिन हैवी मेकअप के साथ मास्क पहनना स्किन के लिए बहुत ही नुकसानदायक साबित होता है। मेकअप लगाने की वजह से स्किन सांस नहीं ले पाती, जिससे स्किन पर मुहासे और एक्ने होने का डर बना रहता है। मास्क लगाने से पहले चेहरे पर हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाएं। मास्क पहनने से चेहरे पर फाउंडेशन लगाने के बाद लाइट मॉइस्चराइजर लगाएं। मॉइस्चराइजर चेहरे पर ऑयल को आने से रोकता है, साथ ही चेहरे पर मास्क पहनने से होने वाली खुजली को भी रोकता है। इसी तरह पिंपल और एक्ने से राहत पाने के लिए मास्क उतारने के बाद चेहरे को अच्छी तरह से साफ करें। चेहरा धोने के बाद चेहरे पर पेट्रोलियम जेली लगाएं। यदि आप घर पर बने कपड़े वाले मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप मास्क पहनने के बाद उसको अच्छी तरह से धो दें। मास्क को धोने के बाद उसमें जमा धूल और पसीना साफ हो जाएगा। अगर आप बिना धोए मास्क को बार बार पहन रहे हैं तो इससे आपको एक्ने और कोरोना दोनों होने का खतरा हो सकता है, इसलिए मास्क को रोजाना धुल कर ही दोबारा प्रयोग में लाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।